हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिना और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेजी व्यंजन में। आज हम बनाएंगे वैलेंटाइंस डे स्पेशल ये रेड वेलवेट केक के पॉप्सिकल्स जो के बिना मोल्ड के बनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे वार्म मिल्क यानी कि गुनगुना गरम दूध। ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, गुनगुना गरम होना चाहिए। और उसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने गुनगुना दूध इसीलिए लिया है ताकि हमारी जो चीनी है वो अच्छे से दूध में घुल जाए। ये जो केक्सिकल्स हैं ये हम बिना मोल्ड के बनाएंगे और ये बहुत ही यमी बनेंगे। जब हमारी शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी यानी कि डिसॉल्व हो जाएगी हमारे दूध में, तब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जिसका कोई टेस्ट या स्मेल नहीं होती, और उसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। जब हमारा दूध, चीनी और ऑयल का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसमें हमारे अदर इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा वनीला एसेंस, जिससे कि हमारे केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और उसी के साथ साथ, क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं, हम यहाँ पे डालेंगे रेड फूड कलर। मेरे पास लिक्विड फूड कलर है इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ा। अगर आप जेल फूड कलर यूज़ करेंगे तो 2 से 3 ड्रॉप बहुत हो जाएगा। और फिर हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर रेड कलर आया है ना। ये केक की यही खासियत है कि इसका कलर बहुत ही प्रिटी लगता है। यहाँ हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स बनके तैयार है, तो अब हम बाउल बचाओ अभियान शुरू करेंगे। यानी कि हम एक एक्स्ट्रा बोल नहीं लेंगे, इसी बोल में हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। मैदे के साथ साथ हम यहाँ पे लेंगे बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर के साथ साथ हम यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डालेंगे, जिससे हमारा जो केक है वो काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट बनके तैयार होगा। अब बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर, जिससे कि इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो एनहांस हो जाएगा। और फिर हम इन सबको अच्छे से एक बार छान लेंगे। जितने भी लम्स यानी कि जो गुठलियाँ दिख रही हैं उन्हें हम अच्छे से तोड़ लेंगे, और फिर सारे हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अच्छे से छान लेंगे। इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छान लेने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पीड में इसे मिक्स विस्क मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारा केक है वो काफ़ी डेंस बन के तैयार होगा। हल्के हाथों से हमें एक लंप फ्री बैटर बना लेना है। देखिए हमारा जो बैटर है वो एकदम तैयार हो गया है। कितना सुंदर रेड कलर आया है। अब बैटर को मोल्ड में डालने से पहले हम मोल्ड को एक बार अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और उसके नीचे हम बटर पेपर लगा लेंगे। बटर पेपर लगाने से हमारा जो केक है वो अच्छे से बाहर निकल आता है। अब मोल्ड में हमारे केक के बैटर को डालने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट विनेगर यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं यहाँ पे। एक बार इसे अच्छे से पूरे बैटर के साथ हम मिक्स कर लेंगे, और फिर हमारे जो मोल्ड है उसमें इसे पोर कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा, बहुत ज्यादा स्पीड में इसे मिक्स नहीं करना है। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा बड़ा मोल्ड लिया है क्योंकि मुझे केक्सिकल्स बनाने हैं। अगर हम ज़्यादा छोटा मोल्ड लेंगे तो काफ़ी चौड़ा हमारा जो केक बनके तैयार होगा, यानी कि काफ़ी थिक केक बनेगा, तो केक्सिकल्स अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा मोल्ड लिया है, और फिर इसको टैप करके 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए बेक कर लिया है। देखिए हमारा जो केक है वो बनके तैयार है। हम इसे स्क्यूअर से एक बार चेक कर लेंगे। अगर हमारी स्क्यूअर एकदम क्लीन बाहर आती है, यानी कि जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। इसे ओवर बेक मत कीजिएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाता है। 5 मिनट बाद हम इसके साइड्स छुड़ा लेंगे चाकू की सहायता से, और फिर इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे।
बिमोल करने के लिए हम इसे एक बड़े प्लेट में उल्टा रख के पलट लेंगे। ध्यान से कीजिएगा, इस टाइम पे हमारा जो टिन है वो थोड़ा गर्म ही होता है क्योंकि अभी तो 5-7 मिनट ही हुए हैं। अब आप टिश्यू पे इसके नीचे से जो बटर पेपर लगाया है वो भी हटा लीजिएगा और देखिए हमारा जो केक है वो एकदम प्रॉपरली बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप तक अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो। आधे घंटे बाद जो मेरा केक है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब मैं इसे स्लाइस कर लूँगी। आप स्लाइस करने के टाइम पे जितने आपको केक्सिकल्स का साइज चाहिए उस हिसाब से आप इसे स्लाइस कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी कुकी कटर की सहायता से अलग अलग शेप के भी केक्सिकल्स इससे कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने जो सारे केक्सिकल्स हैं यानी कि जो सारे स्लाइसेस हैं वो कट कर लिए हैं और मैं आपको अब एक स्लाइस उठा के दिखाती हूँ। देखिए कितना सुपर सॉफ्ट हमारा केक जो है वो बनके तैयार हुआ है ना, कितना मॉइस्ट और सुपर सॉफ्ट हमारा केक बना है। अब हम इस केक को साइड में रख लेते हैं और लेते हैं हमारी व्हाइट चॉकलेट। यहाँ मैंने एक कप चॉप्ड व्हाइट चॉकलेट ले ली है और इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। और जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है हम सारे जो केक स्टिक्स जो पीसेस हैं उसमें इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स फिट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो स्क्यूअर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इसी तरह से रख के इसको हम कोट कर सकते हैं। अब मेरी जो चॉकलेट है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, मैं इसे एक बार विस्क कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लंप यानी कि कोई भी टुकड़ा ना रहे। और फिर हम एक एक करके हमारे जो केक्सिकल्स बना के तैयार किए हैं हमने उन्हें हम इस तरह से इसमें अच्छे से डिप कर लेंगे। दो मिनट के लिए इसको इसी बोल पे पकड़े रखिएगा ताकि जो एक्सेस चॉकलेट है वो इससे ड्रिप हो जाए। और उसके बाद एक बटर पेपर के ऊपर हम इस पे थोड़े से स्प्रिंकलर स्प्रिंकल करके इसे बटर पेपर के ऊपर रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप यहाँ पे अपने पसंद की कोई भी स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक कोट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसे इवनली कोट कर लेना है। फिर इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकलर स्प्रिंकल कर लेना है। आप स्प्रिंकलर्स को बोल से हटाने के बाद ही स्प्रिंकल कीजिएगा नहीं तो हमारी व्हाइट चॉकलेट में भी स्प्रिंकलर्स ऐड हो जाएंगे। इन्हें हम बटर पेपर पे रख के आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पे। देखिए हमारी जो केक सिकल्स है वो आधे घंटे बाद एकदम परफेक्टली सेट होके तैयार हो चुकी है। कितनी प्रिटी प्रिटी लग रही है ना, और है ना ये परफेक्ट गिफ्ट एक वैलेंटाइन का आपके वैलेंटाइन के लिए। आप इस इजी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।